सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। जो भी इंसान ना, जो भी हो, कितने भी साल हो जाए, जब तक वो मूव ऑन नहीं करेगा ना, आगे नहीं बढ़ पाए। जब आगे बढ़ पाया हूं, बिकॉज़ आई हैव मूव्ड आउट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस व्हाटएवर हैपेंड इन माय लाइफ, सो आई एम इन माय न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना बात करनी है, ना मुझे उस गलियों में जाना है जहां मुझे बहुत सारा दुख और धोखे मिले। मुझे बिल्कुल उस चीजों में ना पढ़ना है। कॉल आने के लिए तो शी इज ब्लॉक्ड एवरीवेयर, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत बचा के रखा सोमी के नेगेटिव चीजों से। मैं कभी भी नहीं चाहता जिंदगी में ना सोमी तक कोई नेगेटिविटी आओ। I have to be right, she is my love, she is my girl. ओके, तो सबसे पहले तो आदिल और सोमी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर इनवाइटिंग अस हियर। इट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बधाई हो, शादी हो गई है। बधाई हो बेबी, बधाई हो। बधाई हो प्रिंसेस। Finally, Somi is Adil ke dulhan and Somi's new name is Somi Adil Khan Durrani. Somi Adil Khan Durrani. Well, आप लोगों ने surprise कर दिया लोगों को ये pictures post करके कि आप लोग की शादी हो गई। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, expect भी नहीं किया होगा दूर दूर तक कि शादी होगी। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई, plan कैसे हुआ? Because शादी is a very big decision. तो I'm sure कि आप काफी लंबे समय से इसको plan कर रहे होंगे और अपने तक ही रखा होगा, तो कैसे शुरुआत हुई प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले गाइस कमेंट करके ये बताओ कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। हम दोनों ने आज ट्विनिंग किया है, रेड रेड पेन रखा है हम दोनों ने, तो कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हो। हाँ, तो स्टार्ट विद द डे वी मेट। द डे वी मेट दैट इज इन दुबई, एक अवार्ड शो था, वहां पे हम दोनों मिले थे। आई सॉ सोमी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। तो अवार्ड शो हुआ, अवार्ड के बाद वी वांटेड टू शूट अ सॉन्ग, तो हम लोगों ने अप्रोच किया सोमी को जाके कन्विंस किया कि हम लोगों को गाना करना है। तो सोमी गॉट कन्विंस, तो हम दोनों ने गाना किया साथ में एंड वी बिकेम फ्रेंड्स फ्रॉम देयर। अल्हम्दुलिल्लाह, वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स फ्रॉम देयर। तो वापस आए मुंबई में, मिलना स्टार्ट हुआ, दोस्ती बढ़ी। तो शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी नाउ, दुल्हन बन के। But like, how did you all think कि शादी करनी है? See, basically I know Somu now from last 6 months. So I know from 6 months. So एक होता है ना, एक लड़के को एक ड्रीम गर्ल, जैसे आप बोलते हो ऐसी रहे, खूबसूरत रहे, बात करने की तमीज रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे रिक्वायरमेंट्स की बात, जब से मैं जो बचपन से जो मेरे रिक्वायरमेंट थे, जब भी फॉर एन एग्जाम्पल घर में कोई पूछता है, मेरी जब मम्मी पूछती है, जब कोई घर में पूछता है, तुम्हारे टेस्ट क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, मैं कभी बोलता था मुझे सॉफ्ट स्पोकन चाहिए, मुझे थोड़ी मेरे से थोड़ी शॉर्ट चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए। एंड सोमी ना जब बात करते थे, व्हेनेवर शी यूज्ड टू टॉक, शी इज सो नाइस इन स्पीकिंग, शी इज सो वेल स्पोकन, वो प्यार आ जाता है, यू नो। तो ऐसे होते 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 शी इज द वन फॉर मी, मुझे लगा आई हैव गॉट माय गर्ल। आई प्रपोज्ड हर, I went to her and I said I really love you. एक चीज तो थी हमारे दोनों के बीच में, एक सिमिलैरिटी तो थी, we didn't want to date, we were like अगर होता है तो इंशाल्लाह हम शादी कर लेंगे, घर वालों को बताएंगे रजामंदी से हम शादी करेंगे और इंशाल्लाह बाकी कल खुशी से गुजारेंगे, डेट करना, घूमना फिरना ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। We were on the same page. Yes, baby. I think मेरी एहलिया को कुछ बोलना है, बताइए। नहीं, द सेम थिंग एज यू सेड कि हमें डेट नहीं करना था, हमें एक दूसरे को जाना, हमारी फ्रेंडशिप वॉज वेरी, आई थिंक फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी रिलेशनशिप, सो वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हमने डिसाइड किया कि या लेट्स गेट मैरिड, डेट नहीं करना है, समझ लिया है जितना समझना था। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, आई थिंक आई फील रियली नाइस व्हेन ही इज अराउंड मी, आई फील रियली कंप्लीट, सो आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी मैरिड नाउ। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि शादी के पहले और अब शादी के बाद। डेफिनेटली जिंदगी तो पूरी बदल जाती है शादी के बाद, मेरी तो बहुत कुछ बदल गई है। मैं खुश खुश उठता हूँ, खुश खुश सोने जाता हूँ, ढेर सारी शरारत, सुबह के तक खेलता हूँ मैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, वी लाइक किड्स आल्सो, हम लोग को पता भी नहीं चलता वक्त का, हम बहुत बातें करते हैं, घूमते हैं साथ है, तो जिंदगी बहुत अच्छे यू नो वे में बदल गई, इट्स लाइक ब्यूटीफुल नाउ।
आपने अभी प्रपोजल की बात की थी, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आदिल ने आपको प्रपोज किया था। He said he proposed to you. So we want to know कि आपके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था। So my sister was here. We are four sisters. मेरी एक सिस्टर है सना, वो आई हुई थी मुंबई। ऐसे तो मुझे पता था आदिल मुझे पसंद करते हैं, वो आते थे, मिलते थे, हम बातें करते थे, कभी भी कुछ भी स्ट्रेस होता था तो शेयर कर देते हैं एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत कंफर्टेबल फील होता था एक दूसरे के साथ। तो फिर देन ही केम टू मी एंड आल्सो टू माय सिस्टर कि आई रियली वांट टू मैरी योर सिस्टर, एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। तो पता नहीं था वहाँ पे मेरे को फ्लावर्स दे के केक कट करके उस पर लिख के दैट आई लव यू, इट वाज ऑल द प्री प्लान, राइट, सब चीज़ें हुई। देन ही सेड कि आई रियली वांट टू मैरी यू एंड आई रियली वांट टू बी विद यू। सो वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हुई। हमारी बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज समवेयर आई न्यू इट कि मुझे भी इनके साथ रहना है, वक्त गुजारना है, लाइफ गुजारनी है। तो दैट्स इट। वन थिंग आई ऑब्जर्व, आदिल इज सो इनटू यू कि उनकी नज़र ही नहीं हट रही आपसे। I have to be right. She is my love. She is my girl. You know, everything is very beautiful. But आपकी life में एक time पर एक ऐसा phase था जो हम कह सकते हैं कि एक rough patch था आपकी life में, और उसके बाद you know एक रिश्ते से निकल कर आना जहाँ पे आपने media में इतने सारे लोगों के बीच इतनी सारी बातें सुनी, फिर आपने एक relationship में step in किया, you know वो हिम्मत दिखाई, तो वो आपने मतलब वो कैसे सोचा कि यू नो अब एक बार और मौका देते अपने आप को या प्यार को एक और बार मौका देते हैं। सी आई टेल यू व्हाट, एवरीबॉडी इज नॉट द सेम, ओके, एवरी डे इज नॉट अ संडे। तो क्या होता है ना, हाँ डर तो मुझे बहुत था जब भी मैं मेरे को एक्ट्रेस के साथ काम करता था, जो भी हमारे काम होते थे, जो भी मुझे नए नए दोस्त बनते थे, तो एक डर सा मुझे रहता था कि बिकॉज ऑफ माई पास्ट कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ जो भी मेरे ऊपर जो हुआ था, मुझे डर तो लगा रहता था। बट और उस डर को ना कहीं मुझे ये लगता है सोमी ने ही फेट किया है, शी गॉट मी बैक टू अ जोन कि नहीं लोग ऐसे भी होते हैं, यू कैन अगेन फॉल इन लव। तो वो मुझे एहसास हुआ और तब मैं जाके जानने लगा, चीजें होने लगी, देन आई गॉट टू नो, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सोमी इज द वन फॉर मी, आई कैन बी वेरी हैप्पी विथ हर। सी आई टेल यू व्हाट, जो भी इंसान ना जो भी हो कितने भी साल हो जाए, जब तक वो मूव ऑन नहीं करेगा ना आगे नहीं बढ़ पाए। जब आगे बढ़ पाए बिकॉज आई मूव आउट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस व्हाटएवर हैपेंड इन माय लाइफ, सो आई एम इन माय न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का महीना चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता क्या है, ऐसा हो गया है कि अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी मेरी ईद ही दे दी है, दैट आई एम विद हर एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी इज माय कंपेनियन। जो भी मेरे वीकनेसेस है ना एग्जैक्ट वो चीजें सोमी के साथ, तो I'm so happy for that also. We really compliment each other and we feel like हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। इनिशियली हमारी फ्रेंडशिप ही स्टार्ट हुई थी, वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि हम एक दूसरे से यू नो बिना डरे और बिना किसी हेजिटेशन के वी कैन स्पीक अबाउट ourselves एंड वी कैन शेयर आवर थॉट्स। तो ये बहुत चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे बीच, वी फील वेरी कंफर्टेबल, बच्चों की तरह मस्ती करते हैं, पूरा टाइम निकल जाता है, अच्छा लगता है। आदिल इज सो अमेजिंग एंड सो स्वीट। मैं भी सेम चीज़ यही समझती हूँ कि हर लड़की को, यू नो यू आर ऑल्सो गर्ल, हमको लगता है कि एक परफेक्ट इंसान आए जो सच में हमें पैम्पर करे, हमको लगता है ये सब होता नहीं है, सब फिल्मी बातें हैं, बस समवेयर समहाउ आई फील लाइक ही इज सो परफेक्ट एंड लाइक आदिल इज समबडी, लाइक मुझे स्पेशली मैं जो फील करती हूँ, इतने प्यार से रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, इतनी टेक केयर करना, मेरी एक एक चीज़ का, मेरा काजल भी फैल जाएगा ना इनकम में, तुम्हारा काजल यहाँ से हो रहा है, इतने ध्यान से मुझे देखना है, मेरे बारे में बोलना और मेरी बहुत केयर करना, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत हिम्मत देती है और आई एम श्योर कि हम लोग की लाइफ इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी होगी। डिड यू नो अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिज पास्ट, लाइक क्या आपको अंदाजा है, आइडिया था? अंदाजा ही था, ज्यादा नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा एज आई सेड बिफोर आल्सो आई डोंट गो एंड वॉच एनी नेगेटिव न्यूज़ेस ऑन लाइक आजकल, मतलब जो उनके साथ में पास्ट में हुआ है वो बहुत अगली था, वो बातें वो चीज़ बहुत अगली थी, और जब मैं इनको जानती भी नहीं थी तब भी मैं आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आई केप्ट इट लाइक मैं नहीं रहती हूँ ना कॉन्ट्रोवर्सीज में और ना ही देखती हूँ ऐसा कुछ, तो मैंने इतना नहीं देखा था। आदिल को मैंने एज आदिल खान दुरानी जाना है,
सबकी लाइफ में अच्छा बुरा होता है, किसी को पास पे जज करेंगे तो फिर लाइफ में किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकते हम। तो वो जो मुझे मिले, उनकी अखलाक, उनका सलीका, ये सब इतना अच्छा था। सॉफ्ट स्पोकन जो वो मुझे बोलते, वो खुद भी वैसे ही है, तो बहुत प्यार से बोलना, तो ये सब चीज़ें बहुत, मुझे लगा जो भी न्यूज़ मैंने थोड़ा बहुत सुना है ना, ये कितनी फेक है, क्योंकि अगर कोई आदिल को मिलेगा लगेगा सच अ नाइस पर्सन, सो हम्बल, आई हैव सीन हिम हेल्पिंग पीपल, लाइक अगर किसी को भी रास्ते में भी हेल्प होगी ना, गो डाउन जाके हेल्प करेंगे, मदद करेंगे लोगों की। सो इसलिए शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मैंने ये सब चीज़ें देखी समझी, तभी हम साथ में आज। तो और एक चीज़ है ना, मैंने बहुत बचा के रखा सोमी की नेगेटिव चीज़ों से। मैं कभी भी नहीं चाहता जिंदगी में ना सोमी तक कोई नेगेटिविटी आओ, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रेट, शी इज़ अ वेरी सिंपल एंड शी इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग। ओके, तो मैं कभी भी नहीं चाहता सोमी तक कोई भी नेगेटिविटी आओ। दो मिनट लगेंगे नेगेटिविटी सोमी तक पहुँचने में, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें चलती है बाहर। तो हम लोगों ने इतना प्राइवेट रखा है चीज़ों को। Guys, आप लोगों को स्ट्रेंज लगेगा अगर हम बोले तो वी नो ईच अदर फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स। हम एक जगह भी स्पॉट नहीं हुए, हम एक भी रेस्टोरेंट में स्पॉटिंग नहीं हो रही थी हमारी, कोई रूमर्स, कोई अभी पब्लिसिटी के लिए कहीं भी कहीं एक नॉर्मल एक हमारे कम से कम 9 फंक्शंस हुए हैं घर में शादी के टाइम, एक भी फंक्शन की हमने रिवील नहीं की, एक भी हमको दिखाया नहीं, हमने मीडिया को नहीं बुलाया, बोला कि आज हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, कुछ भी नहीं किया। वी वॉन्टेड टू कीप इट सो प्राइवेट। हमको बहुत फोकस था एक दूसरे में कि वी वॉन्ट ईच अदर, हमको शादी करनी है, हमको रमजान से पहले शादी करना है, बिकॉज हमको रमजान साथ में गुजारना है, इबादत साथ में करना है, नमाज साथ में पढ़ना है। एंड आपको पता है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग होते हैं ना जैसे सिर्फ डेट करना है, टाइम वेस्ट करना है। एक चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी आदिल में, क्योंकि उनको शादी करके एक अच्छे हलाल रिलेशनशिप में आना था, और सेम मेरा भी वही इरादा था। तो ये सब चीज़ें मुझे और अट्रैक्ट करती गई कि सच अ नाइस पर्सन, ऐसा नहीं आजकल लोग कैसे होते हैं, टाइम मतलब होता है कि आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हो, उनका टाइम वेस्ट करते हो, चले जाते हैं। पर उन्होंने ये कहा कि तुम इतनी इमोशनल से प्योर हो कि तुम जैसे लड़की का कोई टाइम वेस्ट करना या तुम्हें हर्ट करना मैं सोच भी नहीं सकता, और मैं ऐसा हूँ भी नहीं, और मुझे भी वो ऐसे एकदम ही नहीं लगे, तभी इतना बड़ा डिसीजन हम मिलके बना पाए आज। वेल क्या इज दिस अप्रोप्रिएट टू आस्क, क्या आपकी बात हुई है आपकी जो एक्स पार्टनर रह चुकी है, डोंट वांट टू टेक द नेम, उनसे कुछ बात हुई आफ्टर मैरिज या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना बात करनी है ना मुझे उस गलियों में जाना है जहां मुझे बहुत सारा दुख और धोखे मिले, मुझे बिल्कुल उन चीजों में ना पढ़ना है। कॉल आने के लिए तो शी इज ब्लॉक्ड एवरीवेयर, मुझे कोई लेना देना नहीं। I'm in my new beginning of my life. I'm into a totally a new chapter now. Inshallah, I'm looking forward to live a good and a happy life. You know, she even reacted जब उनको बताया गया आपकी शादी के बारे में, she reacted कि उनको नहीं पता था, बिल्कुल भी idea नहीं था, and she got पता होता तो क्या होता, invitation लेके शादी में आती क्या, sofa लेके क्या है करना है वो सब चीजों से, अच्छा है पता नहीं है, because I don't want, like I said again, I want to repeat again, I don't want any negative things to come to Somi at all. I want to be her shield forever and I will always be. मैं कभी भी नहीं चाहता Somi तक कोई भी नेगेटिव चीज़ है, बिकॉज वो बहुत पॉजिटिव है। I'll tell you one thing. मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान, Somi बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, इसलिए हम दोनों ने दोनों मिल पाए। हम नेगेटिविटी कोई नहीं सोचते, हमारे आस पास भी ना पॉजिटिव लोग रहते हैं, जब भी हमें कोई नेगेटिव इंसान दिखता है ना हमारे आस पास, हम उससे भाग जाते हैं, हमको कोई लेना देना है नेगेटिव लोगों से। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जो मेरी जिंदगी में है, तो बिल्कुल भी नहीं कोशिश करूंगा कि मैं सोमी देखना हूं। आदर ये बात जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है, आपसे लोगों ने पूछा भी होगा कि आपने शादी कर ली बट आपका जो पिछला रिश्ता था आपने उससे डाइवोर्स नहीं लिया है, ये जो कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, आप ये दूर करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था, डाइवोर्स था या वो रियल शादी थी भी या नहीं? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले लॉ के बारे में आपको अगर मैं समझाना चाहूंगा ऑडियंस को, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैंने देखा है, मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम शादी कर सकते हैं। नंबर वन, मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक मुसलमान शादी कर सकता है, दूसरा उन्हें निकाह कर सकता है। और रही बात मेरे रिलेशनशिप की, हाँ मैंने निकाह किया है प्रॉपर तरीके से, और जो मेरा प्रीवियस जो भी मेरा पास्ट और अतीत जो मेरे से जुड़ा है वो, उसमें मेरी शादी नहीं है, दैट्स ए नल एंड वॉइड। वही बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, शी हैज अ पैटर्न, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड 3 times, शी अगेन मैरिड टू हर
दैट गाय जो उसका पास रहा है, अगेन शी गॉट मैरिड टू मी. किसी को भी उसने डाइवोर्स नहीं दिया है जिंदगी. अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, एक औरत एक ही इंसान को, एनी रिलीजन ऑल्सो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, फारसी, जो भी आप देख लो, हिंदू, कोई भी आप देख लो, लॉ लॉ के हिसाब से एक लड़की एक ही बार शादी कर सकती है, तो दोबारा शादी नहीं कर सकती अंटिल वो डाइवोर्स फाइल करे. तो ये बिना डाइवोर्स फाइल करे ऑलरेडी इसकी 3 मैरिजेस चल रहे हैं, तो इसका प्रीवियस हस्बैंड को जाके उसको जो भी करना था कार्रवाई कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, मुझे लेने देना नहीं है. बट उसके चलते उन्होंने मेरे साथ किया, विच इज नल एंड वॉइड, माई ऑलरेडी पेपर्स आर देयर इन कोर्ट, कोर्ट से ऑर्डर आया है मुझे, आई हैव थिंग्स कि मैं शादी कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू अवर मुस्लिम लॉ, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई कैन गेट मैरिड एंड आई हैव गॉट मैरिड. ओके, लेट्स मोहम्मद लॉ भी बोलते हैं. अच्छा, ओके, जानना चाहेंगे, चलो ये कंसेप्शन तो दूर हो गया, जानना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनके सामने जाके बोला कि मुझे शादी करनी है, या क्या कैसे था वो? देखिए, आई विल टेल यू व्हाट, मैं बहुत समझदार इंसान रहा हूँ मेरे घर में, तो एक बार मेरे से गलती हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर हमेशा के लिए वो मेरे पे रिएक्ट करेंगे. व्हेन आई वेंट एंड टोल्ड देम आई वांट टू गेट मैरिड, तो मेरे घर का माहौल ना बहुत अच्छा माहौल से मिल रहा हूँ, मुझे बिठा के पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, वाई, तो आई एक्सप्लेन, आई सी है शी इज अ पर्सन, सोमी इज फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से बोलने से थोड़ा सा वो डर हुआ कि वापस फ्रॉम इंडस्ट्री, देन दे गॉट टू नो सोमी, दे स्टार्टेड टॉकिंग टू सोमी. तो हम लोग हमारे रिश्ते की शुरुआत करने से पहले ना हम उमरा भी गए, हम फैमिलीज वहां पे मिले थे सबसे पहले, सोमी केम की हमारी फैमिलीज उमरा पे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो सोमी केम विद हर मॉम एंड फैमिली, तो मैं मेरी फैमिली के साथ वहां था, मैं सिस्टर, मैं अब्बा, मैं मम्मी, तो वहां पे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ. सोमी बहुत अच्छी लगी मेरे पेरेंट्स को, मेरे मॉम डैड को, देन उनके मॉम को भी मैं अच्छा लगा. कैन आई से दिस? या श्योर, डेफिनेटली. They all love you. My whole family loves you. Alhamdulillah, Somi's family, मुझे इतना खुशी है वो family से कि वो लोग मुझे बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, कोई भी मुझे जवाही नहीं मानते, कोई भी मुझे साला नहीं मानते. Everybody treats me like elder brother, or they treat me like a son. Alhamdulillah, I'm so blessed to have a family in Jaipur. So he's a Jaipur ka damad now. They all love him. And she is South ki bahu rani. Aadil ki dulhan. तो एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ, चीजें समझ आई, वो भी समझदार लोग हैं मेरी फैमिली, तो बैठे उनको लगा हाँ शी इज द राइट गर्ल फॉर हिम, तो शादी हो गई. शादी कैसे थी, लाइक कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे शादी के बारे में, कोई इंडस्ट्री से कोई लोग आए थे शादी में? नो, एज वी सेड वी केप्ट इट वेरी प्राइवेट, जस्ट बिटवीन द घर, खानदान के लोग, फैमिली थी, दोनों की फैमिलीज थी, और मोस्टली बहुत सारी रस्में जयपुर में हुई, क्योंकि बिकॉज़ हमको नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी, हमको कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए था, बिकॉज़ मेरा एक कंसर्न था इनिशियली आल्सो, व्हेन आई लाइक वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड आल्सो, आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी इन माय लाइफ, आई वांट टू कीप इट लाइक कि कोई गंदे कमेंट करे या गलत बोले या हमारे रिश्ते पे कुछ यू नो ट्राई करके खराब हो जाए, चीजें बिगड़ जाए, तो वो चाहिए ही नहीं था. और जो आदिल के साथ इतना बुरा पहले हुआ हो चुका है, आई डोंट वांट कि कोई दोबारा ऐसी कोई सिचुएशंस आए, तो वी केप्ट इट वेरी प्राइवेट. तो जयपुर में हुई, बहुत सारी रस्में हुई, बहुत सारे फंक्शन हुए हमारे, हमारा एक भी फंक्शन हुआ था, सबसे पहले बैंगलोर से स्टार्ट हुई मेरी हल्दी, वहां पे हुई जयपुर में, सोमी की हल्दी हुई, फिर मेहंदी हुई, मेहंदी के बाद शुक्राना हुआ, शुक्राने के बाद निकाह हुआ जयपुर में, उसके बाद एक और रस्म हुई, देन वी केम बैक टू साउथ बैंगलोर, वहाँ पे रसम हुई, रसम के बाद रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन के बाद वी टुक टू मैसूर, वहाँ पे जुम्मागी हुई फर्स्ट फ्राइडे. दिस इज लाइक साउथ का है रिचुअल, है कि वहाँ 5 जुम्मा तक दे सेलिब्रेट न्यू बहू का आना, और उनसे कुछ काम नहीं करवाते, दे ट्रीट न्यू बहू लाइक ए प्रिंसेस, तो वो सब चीजें हो रही है. अभी चल ही रहा है, हम बस थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आए सबसे मिलने, ताकि अपनी बात लोगों तक कह सके कि यार वी आर मैरिड. तो भी खुश तो आप हो, नो डाउट, बट यू नो एक इमोशनल फीलिंग आती है जब आप शादी करते हो, एक नई शुरुआत होती है, एज अ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम आस्किंग यू, तो आपके लिए वो कैसा था, लाइक व्हाट टाइम, लाइक गेटिंग मैरिड डेफिनेटली, जब आप घर से लास्ट टाइम निकल रहे होंगे, जब मेरी विदाई हो रही थी, तो एवरीबॉडी वाज क्राइंग, माय फैमिली, मॉम सब क्राइंग, वहां से बोलो ना, जब तुम घर से निकल रही थी, था द लास्ट टाइम. मैं भी बहुत जल्दी में थी, पर वो थोड़ा ना दुल्हन को रेडी होने में वक्त लग जाता है,
तो हाँ बहुत एक्साइटमेंट थी, नर्वस भी थी, क्योंकि शादी बहुत लाइक इट्स अ बिग चेंज इन लाइफ आल्सो. फिर लेकिन जब बादल को देखा मैं बहुत काम हो गए, ही वाज लुकिंग एट मी विद बिग स्माइल एंड आई एंटर्ड विद दिस आदिल की दुल्हन का चुन्नी, सो ही वाज लुकिंग एट मी विद बहुत प्यार से. तो देन हाँ फिर सारी चीजें स्टार्ट हो गई. आई वाज लाइक थोड़ा सा हो रहा था जब निकाह पढ़ा रहे थे ना हम लोग को माइक पे, तो आई वाज लाइक थोड़ा सा होता है ना वो एक कि हाँ इतना बड़ा चेंज हो रहा है, आई एम एक्साइटेड आल्सो बट नर्वस आल्सो, वो फील तो था. बट आदिल को देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सामने रहते हैं ना मुझे लगता है सब अच्छा होगा. तो फर्स्ट थिंग ये था जब चुन्नी लेके सोमी वाज कमिंग, इट वाज मी आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे चुन्नी में नाम चाहिए. तो वो एक ही चीज है जो मैं याद रख सकता हूँ, मैंने जाके लिटरली मैंने जाके दुकान में बैठा और मैंने बोला लाल कलर की चुन्नी लेके कि ये लिखना चाहिए आपको आदिल की दुल्हन. तो जब हम शुक्राने में गए थे, शुक्राने में आई टोल्ड सोमी कि वो दिखना चाहिए, बट आई डिडंट नो कैसे दिखेगा. आई थॉट शी विल जस्ट वेयर दैट एंड कम, बट शी was holding it so nicely, so good. इतना अच्छा लग रहा था कि आदिल की दुल्हन, मुझे आधा तो मुझे सुकून मिल गया. ओके, जो मैंने सोचा था 2 से 3 साल पहले कि मुझे ये करना है मेरे दुल्हन के लिए, वो एग्जैक्ट जो मेरा ख्वाफ था वो मेरे सामने था, एग्जैक्टली लाइक दैट. आई वाज सो हैप्पी एंड अ ब्यूटीफुल फेस इनसाइड एक्चुअली. तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो सपनों में सोचा था कि जो आपने इमेजिन किया था कि ऐसी शादी होगी 100% और इतनी अच्छा लगा ना, हमारी फैमिली थी, हमारे घर खानदान के लोग थे, तो बस बहुत ही हमने एंजॉय किया हर मोमेंट, बहुत एंजॉय किया हल्दी से लेके व्हेन ही केम फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए थे. शुक्राना मतलब मेहंदी शुक्राना ये रस्म हो रही थी और मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर बाकी लोगों ने देखा, सब आके गिरे तुम्हारे होने वाले दूल्हा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह. नाम का है मेरा, नाम का है आज मुझे बोला है तुम रेड पहनो, रेड पहनो, रेड पे बहुत अच्छी लगोगी, दुल्हन हमेशा ऐसे कलर्स पहने चाहिए. मैंने कहा ठीक है ओके रेड पहन रही हूं. देन उन्होंने मुझे मैच करते हुए ये पहना. ओके, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के अभी शादी हो गई, इतना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है, बट इसके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक करियर प्लान्स, एनी आप लोगों ने कुछ सोचा है? फिलहाल तो हम सिर्फ शादी एंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी हमारे बिजनेसेस हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे. एंड अबाउट द इंडस्ट्री आल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, हमने गाना भी साथ में किया है, गाना भी हमको रिलीज करना है, तो इंशाल्लाह दिस नॉट अप्रोप्रिएट मंथ नाउ टू गेट अ सॉन्ग रिलीज, तो वी वांट टू बी ऑन इबादत नाउ इस रमजान, सो वी प्रेफर टू स्पेंड इट विद आवर फैमिली इन मैसूर ओनली, सो आफ्टर रमजान एंड ईद वी विल कम बैक एंड स्टार्ट आवर वर्क एंड जो भी है चीजें जैसे चल रही थी और अच्छे से होगा इंशाल्लाह 100 टाइम्स बेटर. Alright, thank you so much guys for this lovely interview. Any message you would like to give to the audience? Thank you so much for having us here. India Forum के सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा guys, support करो, हमको बहुत सारा प्यार दो, माशाल्लाह लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हम जोड़े को नजर ना लगे. तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा support दिया है, आप मेरी strength हो, इसीलिए मैंने बहुत बड़ी battle भी मैं लड़ सका हूँ. तो आज ये मेरी दुल्हन है, आदिल की दुल्हन. हाँ ये ट्रेंड कर रहा है हर जगह, सब मुझे आदिल की दुल्हन बोल रहे हैं, हैशटैग आदिल की दुल्हन. हाँ. तो इतना सारा प्यार मैं चाहता हूँ मेरी बीवी को. शुक्रिया, थैंक यू.